नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, शाइस्ता परवीन को लेकर योगी आदित्यनाथ के मंत्री का एक बयान जो है वो काफी वायरल हो रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद दोनों भाइयों की हत्या के बाद शाइस्ता परवीन जो है काफी भगदड़ मचा रही है। जी हाँ, कभी प्रयागराज में, कभी कौशाम्बी में, कभी दिल्ली में, कभी नोएडा में, तो कभी देखिए कि नेपाल में तक देखिए उसकी खबरें आती हैं कि शाइस्ता परवीन इन इन जगहों पे। अब जब योगी आदित्यनाथ के मंत्री कौशाम्बी पहुंचे, जहां पर अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन थी, तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, तो अब उनके सवालों का जवाब क्या दिया और शाइस्ता परवीन को क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ के मंत्री ने, सुनिए उनकी जुबानी। परिवार के अंदर जो मुखिया है, जिस तरह के क्रियाकलाप करता है, उससे घर की महिलाएं भी, बच्चे भी प्रभावित होते हैं। और इसी कारण आपने देखा कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद हत्यारे भाग करके शाइस्ता के यहाँ गए और शाइस्ता ने इस षड्यंत्र, शाइस्ता का बहुत बड़ा षड्यंत्र था और उमेश पाल हत्याकांड की, वो एक जिम्मेदार महिला है और जिसके लिए कानून के अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस अपना काम कर रही है। और जिस दिन शाइस्ता हो, चाहे मुख्तार अंसारी की पत्नी हो, चाहे जो भी अपराधी है, उसके परिवार के लोग अगर अपराध में संलिप्त हैं, तो उनको निश्चित रूप से कठोर उनको सजा मिलेगी और कानून के अनुसार सजा मिलेगी। पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। नंबर, अगला नंबर किसका है? देखिए, अगला नंबर तो कोई नहीं बताएगा, इसलिए कि जो जैसा करेगा, महाराज जी ने कह दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और माफिया को मिट्टी में मिलाने का जो अभियान हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है, वो निरंतर जारी रहेगा। तो देखा कैसे आपने कि शाइस्ता परवीन जो है इस वक्त भगोड़ी है। 25,000 रुपए का जो इनाम था वो बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। और बार बार देखिए यूपी पुलिस को जो है उसकी इंटेल जो है, उसकी खबर जो है वो मिल रही है कि शाइस्ता परवीन यहाँ है, आज यहाँ है। और यूपी पुलिस जो है अपनी एसटीएफ टीम के साथ जो है बार बार छापेमारी कर रही है हर जगह। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम कब तक पकड़े जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट।